नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक कारखाने के बारे में जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्द बिहार में खाद के मामले में जो है आत्मनिर्भर होने वाला है। पिछले लंबे समय से बिहार में खाद को लेकर बयानबाजी देखने को मिली थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा था जबकि राज्य सरकार की तरफ से उन बयानों को खंडन किया जा रहा था। ऐसे में अब बरौनी खाद कारखाने का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बता दें कि इस ट्रायल के बाद से अब अधिकारियों के हाथों में खाद के दाने आए तो वे खुशी से झूम उठे। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द बरौनी खाद कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि कारखाने से यूरिया खाद के उत्पादन की शुरुआत हो गई है, ऐसे में उसके गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसकी पैकेजिंग पर रोक लगा दिया गया है। इस कारखाने की शुरुआत को लेकर यह बताया जा रहा है कि इसमें टेक्निकल कमी के कारण इसमें यूरिया की पैकेजिंग शुरू नहीं हो पाई है। इस कारखाने के खाद की पैकेजिंग तब शुरू होगी जब तक कि इसकी गुणवत्ता में सुधार न हो सके, इसके बाद ही यह बिक्री के लिए बाहर भेजा जाएगा। इस दौरान बनने वाले खाद को फिर से रिसाइकलिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दें कि खाद के उत्पादन की बात सुनने के बाद से लोडिंग के लिए पहुंचे ट्रक को एक बार फिर से वापस लौटना पड़ा है। इधर विभाग की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि कमीशनिंग की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, बहुत ही जल्द इसकी गुणवत्ता में भी सुधार कर लिया जाएगा। बता दें कि बरौनी कारखाना अपने उत्पादन के साथ साथ लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय लोगों के द्वारा बने जैविक खाद की खरीद करेगा और उसे बाजार में बेचेगा। ऐसे में यह भी कहा गया है कि इससे स्वरोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अगर हम इस कारखाने के बनने की लागत को अगर हम देख ले तो 336 एकड़ में फैले इस बरौनी खाद कारखाने का निर्माण पहले 7,043 करोड़ रुपये से होना था, लेकिन बीच में कोरोना और दूसरे कारणों के कारण इसमें लगातार देरी होती रही, जिसके कारण इस कारखाने में होने वाले खर्च बढ़कर अब 8,387 करोड़ रुपया हो गया है। बता दें कि इन कारखानों से एक दिन में 3,850 मेट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होता है जबकि 2,200 टन अमोनिया का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यह कारखाना जमीन के अंदर के पानी का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि यह गंगा जल का इस्तेमाल कर रहा है। इस कारखाने के शुरू हो जाने से एक तरफ जहां बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा तो साथ साथ इसका लाभ प्रदेश के अन्य हिस्से के लोगों को भी मिलने वाला है। बरौनी में उत्पादित खाद का दूसरा राज्यों में भी भेजने को लेकर पूर्व मध्य रेलवे से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही कारखाने के अंदर भी 4.2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया गया, साथ ही साथ कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। बता दें यह भी जा रहा है कि जब तक कारखाने का उद्घाटन होगा तो उर्वरकों के नामों में भी बदलाव होगा। बता दें कि देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत काम हो रहा है, जिसमें कि हर कारखाना से उत्पादित खाद अपना यूरिया की बजाय अब जो है भारत ब्रांड के नाम से बिक्री करेगा। आपको बता दें कि देश में इन दिनों उर्वरकों के कई नाम से बेचा जाता है, जिससे कि किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब किसानों को एक ही नाम के खाद मिलने वाले हैं जो कि किसानों के लिए फायदेमंद होगा। कारखाने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जैविक खाद की भी खरीद कंपनी की तरफ से नहीं की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कारखाने के अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम स्थानीय लोगों को जोड़ने वाले हैं। ऐसे में अब देखना है कि कारखाने की शुरुआत होगी तो इसमें कितने स्थानीय लोगों को जोड़ा जा सकेगा, जिसमें कि स्वरोजगार की भी बात कही गई, जिसमें कि लोकल फॉर वोकल की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार कितना मिल पाएगा। कई तरह के आरोप जो है इस कारखाने में अभी से लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि यह कारखाना जो है सफलतापूर्वक चल सके, जिसमें कि बिहार जो है खाद के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर हो और देश के दूसरे प्रदेशों में भी जो है यहाँ की बनी हुई खादें पहुँच सके। तो ये थी बरौनी खाद कारखाना से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।